स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 की। ओके, तो एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले इसको समझते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। ओके, जैसे सपोज दैट आप हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है। ओके, और लिस्ट है आपके पास 1, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट। ओके, और भी आगे 13, 15। ओके, तो आप इस लिस्ट में आप क्या देख रहे हो कि जो ये जो फर्स्ट टर्म है, ओके, और सेकंड टर्म। ओके, ध्यान देना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मैं आप देखोगे तो आपको क्या है, प्लस टू ऐड हो रहा है। उसके बाद सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में आप देखोगे तो प्लस, यानी कि ये इस प्रकार से क्या है, प्लस टू प्लस टू प्लस टू हर टर्म में होता चला जा रहा है। ओके, आपके पास एक और लिस्ट है, ये लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट सेकंड है, 18, 15, 12 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से और भी है। तो आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें क्या है, जैसे हाँ ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। ओके, तो आप यहां से यहां तक देखो तो क्या है, -3 हो गया है। ओके, और यहां से यहां तक क्या, -3। ओके, यहां से यहां तक क्या है, -3। अब आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो कि आगे क्या आएगा। ठीक है, आगे क्या आएगा, -3 करेंगे तो क्या 9 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से जो लिस्ट है इसमें क्या है, ऊपर जो फर्स्ट लिस्ट है इसमें प्लस टू ऐड हो रहा है। ओके, सेकंड लिस्ट है उसमें क्या है, -3 ऐड हो रहा है, यानी कि एक फिक्स नंबर ऐड हो रही है और यहाँ पे फिक्स नंबर क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, जब किसी लिस्ट में ओके आगे वाला टर्म ओके पीछे वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके या फिक्स नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करके प्राप्त किया जाए। ओके, तो इस प्रकार से जो लिस्ट होती है उसी को क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, बात आई समझ में कि नहीं, आगे वाला टर्म पीछे वाले टर्म में कुछ प्लस करके या कुछ क्या है माइनस करके जब प्राप्त किया जाए तो इस प्रकार से जो लिस्ट है उसी को क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, प्लस टू करके आगे वाला टर्म प्राप्त हो रहा है और यहां पे क्या है, -3 करके आगे वाला टर्म प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही लिस्ट है, ये क्या है, एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, मेरी बात आई ना समझ में। ओके, तो अब आगे देखते हैं, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ओके जो स्टार्टिंग है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ओके, और इसे क्या है, ए से डेनोटेट किया जाता है। ओके, और जो नंबर घट रहे, जो एक फिक्स नंबर जुड़ रही है, ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, जैसे यहां पे क्या है, यहां से यहां तक क्या है, -3 ऐड हो रहे हैं। ओके, मेरी बात आ रही है ना समझ में। ठीक है, तो आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या है, सेकंड टर्म है। ओके, ये आपका क्या, थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, कंफर्म है बात के नहीं। ओके, तो आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दोगे तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, और इसको क्या है, डी से डेनोटेट किया जाता है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल क्या होता है, आपका नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ओके, कन्फर्म है, अभी मैं और आगे समझाने वाला हूं। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। बात आई समझ में कि नहीं, इतना कंफर्म है। ओके,
सकते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ एपी की, ठीक है। तो देखो किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है, हाँ। अब क्या होगा, एक फिक्स नंबर इसमें ऐड होगी। सेकेंड टर्म कैसे प्राप्त किया जाएगा, एक फिक्स नंबर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, ओके। तो जो कॉमन डिफरेंस है ना, ठीक अभी मैं बताने वाला हूं, और वैसे यहीं पे समझ लो, कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, या फिर क्या जीरो भी हो सकती है, ओके। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या पॉजिटिव या फिर निगेटिव या जीरो, इतना आ रहा है ना समझ में। अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ रहे थे अब, ठीक है। तो किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, ओके। अब सेकेंड टर्म क्या, सेकेंड टर्म कैसे, जो ये फर्स्ट टर्म है उसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस ऐड किया जाएगा अगर पॉजिटिव होगा, या कॉमन डिफरेंस क्या है सब्ट्रैक्ट किया जाएगा अगर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हा यहां पे सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका ए प्लस डी, ओके। थर्ड टर्म होगा आपका ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म होगा आपका ए प्लस थ्री डी, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही फिर क्या सो ऑन आगे भी, ओके। बात आई समझ में कि नहीं। अब सपोज दैट आपके पास क्या इस प्रकार से कोई एपी, ओके, जैसे फर्स्ट टर्म ए वन है, आपका सेकेंड टर्म ए टू है, थर्ड टर्म ए थ्री है, फोर्थ टर्म ए फोर है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे, ओके, आगे भी सो ऑन, ओके। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है ये आपका क्या है, है हियर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वन, ओके। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, चलो मैं यहां पे लिखता हूं, डी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, मैंने क्या बताया है, आगे की टर्म में से प्रीवियस टर्म घटा दो, ओके, यानी कि ए टू माइनस ए वन, ये आपका क्या है कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। यहां पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 18 माइनस 21, ओके। यहां पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 5 माइनस 1। तो आप कैसे शो करोगे कि कोई एपी क्या है, एपी है या नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, ओके, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए फोर सॉरी ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री, यानी ये सारी वैल्यूज क्या है इक्वल टू होंगी, तो गिवन एपी क्या है, गिवन जो लिस्ट है वो एपी है, अदरवाइज नहीं है, ओके। तो करते हैं क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल फर्स्ट आपको दिया है 3/2, -1/2, -3/2, डॉट डॉट डॉट। आपको क्या है ए यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड करना है एंड डी फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, ओके। तो ये तो आपका ये रहा, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, ए इक्वल आपका 3/2, ओके, और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल मैंने क्या बताया है, आगे के टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि ए टू माइनस ए वन, ओके। ए टू आपका ये 1/2 माइनस ए वन आपका 3/2 है, ओके, आपको एलसीएम लेना नहीं है, 1 - 3/2 यानी कि -2/2, ओके, आपका कैंसिल आउट हो गया, और माइनस वन आपका क्या है डी आ गया, ओके। अब है आपका, पहले आप इसको उतारो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल सेकेंड। तो एग्जाम्पल सेकेंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म। वो बोल रहे हैं आपको चार क्वेश्चन दे रहे हैं, उन फोर क्वेश्चन में से आपको ये बताना है कौन सी एपी है, और यदि एपी है तो उसके नेक्स्ट टू टर्म लिखो, ओके। पहला क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ले रहा हूं, ठीक है। आपको क्या दिया है, 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट, ओके। अब यहां पे क्या है, ए वन इक्वल 4 है, ओके। ये आपका ए टू है, ये ए थ्री है, ये क्या है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ओके, या ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, ओके। आगे कहानी बहुत लंबी है इस चैप्टर की, तो प्लीज ध्यान से समझते चलो, वन बाई वन स्टेप, ओके। तो देखते हैं, ये आपका ए वन इक्वल टू 4 है, ओके, ए टू इक्वल टू 10 है, ए थ्री इक्वल टू आपका क्या है 16, ए फोर आपका क्या है 22 है, ओके। अब आप फर्स्टली क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या ए टू माइनस ए वन फाइंड करोगे, ओके। तो ए टू माइनस ए वन क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 4 यानी कि 6, ओके। उसके बाद आप क्या है ए थ्री माइनस ए टू फाइंड करोगे, तो ए थ्री आपका क्या है 16 माइनस 10 यानी कि आपका क्या है 6 आ गया। अब ए फोर माइनस ए थ्री फाइंड करोगे आप, यानी कि 22 माइनस 16, ओके, तो आपका क्या है 6 ही आएगा, ओके। अब ये देखो, ये ऑल द ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू, ओके, और ए फोर माइनस ए थ्री, इन सबकी वैल्यू इक्वल टू है, तो आप लिख सकते हो सिंस, ओके, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री, ओके, इज इक्वल टू क्या 6, और यही क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, ओके, ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू क्या होता है, यही तो डी होता है, और ये आपका क्या है 6, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल है हर स्टेप में, ओके। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, ओके, देयरफॉर गिवन लिस्ट इज एन एपी, इसीलिए क्या है कॉमन डिफरेंस इक्वल है हर स्टेप के लिए, तो इसीलिए गिवन लिस्ट क्या है आपकी एपी है। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। अब वो बोल रहे हैं राइट द नेक्स्ट टू टर्म, ओके, तो आपको लिखना है आगे नेक्स्ट टू टर्म्स, ओके, आप ऐसे लिख ऐसे कर सकते हो। तो नेक्स्ट टू टर्म आपका क्या है, देखो फोर्थ टर्म आपका 22 है, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 6, आप इसमें 22 ऐड कर दो, ओके, तो आपका क्या हो जाएगा 28, ओके। अब उसके बाद 2 और ऐड कर दो एक बार और, तो क्या 30। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 डॉट डॉट डॉट, ओके। तो आपका ये क्या है ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये क्या है आपका ए फोर है, ओके। तो सबसे पहले क्या है ए टू माइनस ए वन यानी कि -1 -1, ओके, तो आपका क्या आ गया -2, ओके। अब क्या ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री माइनस ए टू क्या -3 माइनस, और ये ठीक है, तो +1 हो जाएगा ना, यानी कि आपका क्या -2, ओके। अब आप क्या है ए फोर माइनस ए थ्री, तो ए फोर क्या है आपका -5 और -3 यानी कि +3 यानी कि -2, ओके। तो आपका क्या आप चेक कर सकते हो, ये इक्वल है ना, यानी कि ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू -2, ओके, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो जब आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो गिवन लिस्ट क्या है,
एपी है, बात आई समझ में? तो सिंस आप लिखोगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, ओके, देन गिवन लिस्ट इज एन एपी। अब क्या है आपको अगले टू टर्म लिखना है, ओके, नेक्स्ट टू टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, माइनस माइनस फाइव माइनस टू, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस सेवन, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस नाइन, ओके। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका ये ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, ओके। तो आप सबसे पहले मैंने क्या बताया है, ए टू माइनस ए वन फाइंड करना है आपको, ओके। तो ए टू माइनस ए वन यानी कि टू माइनस माइनस टू यानी कि प्लस टू इज इक्वल टू आपका क्या है फोर आ गया। अब आपको क्या करना है, क्या करना है, ए थ्री माइनस ए टू फाइंड करना है, ओके। तो ए थ्री माइनस ए टू यानी कि माइनस टू, ओके। तो आपका ये क्या है माइनस फोर हो गया, बात आई समझ में कि नहीं? यानी कि सिंस ए टू माइनस ए वन नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, तो देयरफॉर गिवन लिस्ट इज नॉट एन ए पी, ओके। और जब ए पी नहीं है तो आपको क्या है नेक्स्ट टू टर्म नहीं लिखना है, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, तो क्वेश्चन नंबर फोर आपका क्या है, वन 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 टू 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 थ्री कोमा थ्री कोमा थ्री और आगे डॉट डॉट डॉट, ओके। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया ए टू माइनस ए वन फाइंड करना है, तो ए टू माइनस ए वन यानी कि वन माइनस वन, ओके, यानी कि आपका क्या है जीरो आ गया, ओके। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका क्या जीरो हो सकता है, ओके। अब आपको क्या करना है ए थ्री माइनस ए टू फाइंड करना है, ओके। तो यानी कि ए थ्री आपका क्या है वन माइनस वन, ओके, आपका क्या जीरो हो गया। अब आपको क्या है? मैंने बताया दो टर्म देख के नहीं कह देना है, ओके। अब आपको क्या करना है, क्योंकि इक्वल है आप बोलोगे ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, तो देयरफॉर गिवन लिस्ट इज एन ए पी, नहीं अगला और फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको क्या है ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू टू माइनस वन, ओके, यानी कि आपका क्या है, अब आप चेक करो ए टू माइनस ए वन, ओके, इक्वल है आपका, ठीक है, ए थ्री माइनस ए टू के, बट दिस नॉट इक्वल टू दिस, ओके, यानी कि ए फोर माइनस ए थ्री नॉट इक्वल है, ओके। तो आप लिखोगे देयरफॉर गिवन लिस्ट इज नॉट एन एपी, ओके, आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की, ओके। तो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर वन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट से क्या है उपयोगी नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, और चाहो तो मैं कर सकता हूं, बट बिना फालतू में वीडियो का टाइम बढ़ेगा, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके। यदि आपको जरूरत है तो प्लीज हमें, अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जरूरत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसका क्या है सॉल्यूशन मुझसे मांग सकते हो, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में वो बोल रहा है राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी, देन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है ए इज इक्वल टू दिया है आपको टेन, ओके, एंड डी इक्वल टू दिया है आपको टेन, ओके, इक्वल टेन डी इक्वल टेन, ओके। तो आपको क्या करना है फर्स्ट फोर टर्म लिखना है, बात आई समझ में कि नहीं, क्या करना है फर्स्ट फोर टर्म, ठीक है। तो देखो
अगर कोई ए पी है तो उसका फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी। ओके बताइए, समझ में क्या नहीं? तो राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको दिया ही है, तो गिवन अस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 10। अब आपको क्या निकालना है, सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म आपका क्या है, ए प्लस डी, यानी कि क्या 10 प्लस 10। ओके तो आपका क्या आ गया 20। अब आपको क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है। मेरी बात आ रही समझ में? ओके ए प्लस टू डी, ओके यानी कि 10 प्लस 2 इंटू डी, यानी कि 2 इंटू 10 यानी कि 20, तो आपका क्या है 30। वैसे ही फोर्थ टर्म आपका क्या है, ए प्लस 3 डी होगा, ठीक है, यानी कि ए प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 30, यानी कि ए की वैल्यू आपकी 10 है, 40। ओके तो ये आ गया आपके फर्स्ट फोर्थ टर्म। ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके अब आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ए इक्वल माइनस टू है, डी इक्वल जीरो है, ए इक्वल माइनस टू, डी इक्वल जीरो। ओके तो फर्स्ट टर्म तो आपको दिया ही है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है। ओके तो सेकेंड टर्म आपका क्या होता है, ए प्लस डी, यानी कि ए प्लस डी, यानी कि ए की वैल्यू माइनस टू प्लस जीरो, यानी कि माइनस टू। ओके बात आई समझ में? अब थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या, ए प्लस टू डी, यानी कि माइनस टू प्लस टू इंटू जीरो, यानी कि माइनस टू। ओके अब आपको क्या है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है। ओके यानी कि ए प्लस थ्री डी, यानी कि माइनस टू प्लस थ्री इंटू जीरो, यानी कि जीरो, यानी कि माइनस टू। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव सेम है, तो आप प्लीज डू योर सेल्फ, ठीक है। थर्ड फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फाइव के आप डू योर सेल्फ। ओके और आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में भेजोगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री आपका कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ओके आपको एक एपी दी है, उसमें आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस राइट करना है। ओके वन नंबर में, एक नंबर में आपसे क्या है, बड़े प्यार से पूछा जा सकता है। ओके तो आपको प्यार से उसका क्या है, आंसर राइट करना है। मेरी बात आई समझ में? ओके तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन। तो गिवेन एस, आप पहले गिवेन एस लिखोगे, और आपको क्या है एन एपी, एक एपी दी है, और एपी आपकी क्या है, थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री, थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री। ओके और डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो हियर फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या, थ्री। ओके और कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या, ए टू माइनस ए वन, यानी कि वन माइनस थ्री, यानी कि आपका माइनस टू। ओके तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री सेम है, और क्वेश्चन नंबर फोर भी है। ओके तो आप इसको क्या है, डू योर सेल्फ। ओके करते नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन स्टूडेंट्स। अब है आपका क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में वो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, निम्न में से कौन सी एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी बना रही है तो कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करो। ओके एंड राइट
थ्री मोर टर्म और आगे के तीन टर्म फाइंड करो। कब? आगे के तीन टर्म और कॉमन डिफरेंस कब फाइंड करना है? जब जो गिवन लिस्ट आपको दी है वो एपी है। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले। हाँ, वैसे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर फोर बिल्कुल सेम एग्जाम्पल टू की तरह है। ओके, और एग्जाम्पल टू मैंने आपको पूरा करवाया हुआ है, तो आप क्या है उसी तरीके से सेम करोगे। उसमें क्या है, टू टर्म लिखना था नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट थ्री टर्म लिखना है। ओके, कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड करोगे? आप एक टर्म देख के ना बता दोगे कि गिवन लिस्ट क्या है, एपी है अथवा नहीं और नहीं। ओके, आप ए टू माइनस ए वन, ओके, उसके बाद ए थ्री माइनस ए टू, उसके बाद ए फोर माइनस ए थ्री फाइंड करोगे। जब ये सारी चीज इक्वल होगी तो वही आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ओके, बात आई समझ में कि नहीं? वही आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और जब ये ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू एंड ए फोर माइनस ए थ्री इक्वल होगा, आपका कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो आपको क्या लिखना है, देयरफॉर गिवन लिस्ट फॉर मैन एपी। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, थ्री मोर टर्म फाइंड करना है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपको आप कैसे फाइंड करोगे, जो आपको लास्ट टर्म दिया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, लास्ट टर्म 16 है, तो इसी में क्या है, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है। ओके, उसके बाद अगले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना, उसके बाद नेक्स्ट जो आपने प्राप्त किया उसमें ऐड कर देना। ओके, तो आप इसको कर लेना। ओके, हाँ, अगले वीडियो में हम मिलेंगे एंथ टर्म ऑफ द एपी के, एपी में। ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज है, बिल्कुल क्लियरिटी से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया तो प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और अगर बेकार लगा हो तो प्लीज अनलाइक करके कमेंट में मुझे बताओ कि कमी कहाँ है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।